सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज हमारे पास आई है ड्यूक 250 एंड ये बेस 4 मॉडल है 2018 का। तो बहुत ही सेक्सी बाइक है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक है। क्या लुक है इसका, बस हेड मेरे को उसका पसंद नहीं आता क्योंकि मेरे को 390 का हेड पसंद है, बाकी एस एच पूरी 390 लगती है यार। मतलब बहुत ही रॉ बाइक है एंड क्या मज़ा है इसको चलाने का एंड बहुत सेक्सी लग रही है। ये वाला कलर वेरियंट भी बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा ये वाला, बल्कि ऑरेंज में ज़्यादा हैवी लगती है बट ये वाला भी ठीक ठाक है, एवरेज एकदम बहुत बढ़िया बाइक है। तो आज इसको राइड करते हैं, आज अपने पास आ रही है तो राइड करके देखते हैं एंड बताते हैं आपको उसका थोड़ा सा रिव्यू। तो यार बहुत ही रॉ मशीन है एंड यामा ओनर जब इसको चलाता है ना भाई, तो वो बता सकते हैं आपको कि क्या बाइक है यार। मतलब मैंने पहले भी ड्यूक वगैरह रखी है, ऐसा नहीं है, मैंने सारी ब्रांड यूज़ करी है। मैंने बजाज NS 200 एंड RS 200 भी रखी है, ड्यूक 200 भी रखी है, R15 मेरे पास अभी है, मैंने सभी बाइकें लगभग यूज़ कर चुकी हैं। तो ड्यूक 250 का रिव्यू करने वाले हैं, देखते हैं कि कैसी बाइक है क्या है। मतलब मैंने थोड़ा सा चला करके देखी, कल ही मेरे हाथों में आई एंड मैं अभी फर्स्ट टाइम ही राइड कर रहा हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम भी क्या, मतलब ऐसे कि हाँ मैं लेकर के आया हूँ व्लॉग वगैरह के लिए और इसे चलाने के लिए। तो ये हमारे भाई की है एंड इसको यूज़ करते हैं थोड़ा सा अभी एंड रिव्यू बताते हैं आपको कि ड्यूक 250 का रिव्यू कैसा है। इंडिया में जो नाम चलता है वो बक्का जो चलता है भाई, वो तो KTM का ही है, क्योंकि KTM जैसा जो पिकअप पावर इग्निशियल है वो किसी बाइक में नहीं मिलने का आपको। बहुत ही ज़्यादा सेक्सी, बहुत ही ज़्यादा रॉ बाइक है एंड क्या बता दें, मतलब लुक ले लो, पावर ले लो, A to Z सब चीज़ ले लो। बस एक बंदा जो रोता है ना वो इसमें दो चीज़ के लिए रोता है, एक तो इनका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है। मतलब मेंटेनेंस क्या है कि कुछ ना कुछ होता रहता है इस बाइक को, मतलब आप ना भी चलाओ ना कितना अच्छा चल रहा है भाई, कुछ ना कुछ मांगती रहेगी कभी खर्चा। तो एक तो ये हो गया और दूसरा है कि पेट्रोल बहुत पीती है भाई, पेट्रोल तो अंधा ही पीती है। तो रहन दो फिर। एंड बाइक जो 25,000 किलोमीटर चल चुके हैं बट बाइक ऐसी चल रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, लिटरली मतलब इतनी प्यारी चल रही है, ऐसा लग रहा है भाई 5-10 हज़ार ही चली होगी। मतलब बहुत मेंटेन करके रखी, जिस बंदे के पास भी थी ना भाई बहुत मेंटेन करके रखी हुई थी बाइक, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और अगर सच बताऊँ तो यार 250 सही है, एवरेज गाड़ी यार। मतलब 390 मैंने अभी तक अपनी यूज करके नहीं देखी, मैंने जो चलाई है एक आध बारी चलाई है वो भी अपने भाई लोग की। तो अभी जो अपना सरप्राइज देने वाला है वो 50K का था, तो अब 30K के बाद ही हम ये कर रहे हैं रिवील, क्योंकि 50K होने में बहुत टाइम लग जाएगा एंड सोच रहा हूँ मैं कि पहले ये ला दूँ, अगर उससे सही ग्रो करता है तो मैं आगे करूँगा, वरना फिर ऐसे ही रहेगा। क्योंकि अब मैं भी शिफ्ट हो रहा हूँ ऋषिकेश और क्या है कि अब थोड़ा कॉलेज वगैरह है तो यार टाइम कम मिलेगा मेरे को, मुश्किल ही लग पाएगा। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो भाई मैं आगे करता रहूँगा, वरना ऐसा नहीं है बाकी करते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट दिखाओ, बस सपोर्ट करते रहो तो बाकी चलता रहेगा अपना। तो फिलहाल 250 का जो हम रिव्यू कर रहे हैं तो भाई पावर इग्निशियल पंच जो है ना बहुत ज़्यादा सेक्सी है इस बाइक का, मतलब मज़ा आ गया भाई इसे चला करके। जो बात है सच बताऊँ तो 250 अपने हिसाब से बहुत सही गाड़ी है। मतलब ये लगा लो कि इस सेगमेंट में और तो कोई गाड़ी नहीं है, मतलब FZ 250 है बट वहाँ इतना मज़ा नहीं है यार पावर का। इसका जो पावर पंच है ना भाई ऐसा है कि भाई क्या बताऊँ, मतलब जो पंच मिलता है ना भाई वो तो KTM में ही मिलता है, ये बात तो रियल है, और किसी बाइक में आपको पंच नहीं मिलेगा जो KTM की ब्रांड में मिलेगा। इसलिए KTM का इतना भपका है भाई, इसलिए नाम चलता है भाई KTM का इंडिया में। एंड सिटी राइड के पर्पज़ से भी बहुत सही आ रही है बाइक, मतलब कंट्रोलिंग को ले करके तो भाई कोई आपको कमी नहीं निकाल सकता इस बाइक की। एंड या सिटी के अंदर ही बाइक खोली भी नहीं जाती भाई, तीसरे गियर पे 107 पहुँचते तो लगा लो 107 बहुत होता है भाई, एंड नॉर्मल सिटी राइड के अंदर आप इतना बाइक को कहाँ ही खोल पाओगे। तो फर्स्ट गियर जो इसका 54 के आसपास जाता है एंड सेकंड गियर जो है 78 टच करता है एंड थर्ड गियर इसका यहाँ पर आता है कि 107-106। भाई मैंने कहा थोड़ा इसको चला करके देखते, थोड़ा आदत पड़ जाएगी तो तब जाके हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई इससे ऊपर जाना चाहिए सीसी के ऊपर क्या नहीं, कहीं बहन का यही भारी पड़ रही और वो लेने के बाद पछतावा आ रहा, तो इसलिए रिग्रेट ना हो लाइफ में कभी, इसलिए इसको चेक करते हैं पहले। और अगर बात की जाए हाईवे राइड की तो हाईवे राइड में भी कम नहीं है, टॉप एंड इसका 160 टच करता है, क्लोज टू 160, तो बहुत है यार 250 के हिसाब से बहुत है 160। तो टूरिंग के लिए भाई बहुत बढ़िया है, आप कहीं भी ले सकते हो, थकोगे नहीं भाई। मैं V3 राइड करके आया भाई, मैं सच बताऊँ ना मैंने 400 किलोमीटर राइड करी और जो मेरी उसके बाद हालत हुई ना, हम दो बंदों ने ना वो गाड़ी 3-3 बार चलाई। अब लगा लो आप आइडिया लगा लो कि भाई कितने गंदे दुखाते हैं। V3 ऐसी बाइक है ना भाई जो साला सबसे ज़्यादा गंदे दुखाती है आपकी, लॉन्ग टूर के तो भाई बिल्कुल भी नहीं, आप 100 के बाद तो बोलोगे भाई छोड़ दे माफ़ कर दे मुझे, इतना दर्द होता है भाई शोल्डर वगैरह, बैक पेन इतनी होती है क्या बताऊँ। और इस बाइक को तो भाई कितना ही चलवा लो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। देखो पावर पंच देखो भाई, पीछे फेंक रही है, ये देखो पीछे फेंक रही है भाई। बस ये यार इन बाइक्स में ना स्टेबिलिटी नहीं मिलती, अगर आप डायरेक्ट नेकेट पे जाते हो तो आपको तो तब नहीं पता लग पाएगा, तब आप नोटिस नहीं कर पाओगे। अगर आप फेयरिंग बाइक यूज़ करते हो भाई उसके बाद आप इसको चलाओगे ना आप कहोगे भाई क्या है ये, खिलौना है क्या कोई,
भाई कसम से, मतलब फेयरिंग एक तो क्या कम सीसी की भी होना भाई बहुत ज़्यादा हैवी लगती है, और ऊपर से उसकी स्टेबिलिटी बहुत खतरनाक होती है, टॉप नॉच एकदम। और जो इसकी स्टेबिलिटी ना भाई उसमें मज़ा नहीं आता है, मतलब ये ना सिटी राइड वगैरह ए टू जेड इन सब में सही है, बट लीनी वगैरह और हाईवे राइड पे ज़्यादा खोलो ना भाई वहाँ दिक्कत करती है, क्योंकि वहाँ क्या है कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहती है, थोड़ा डर सा लगता है, कॉन्फिडेंस लूज़ करता है बंदा। बट फेयरिंग में ऐसा है कि फेयरिंग में आपको ए टू जेड हर जगह कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये अंतर है बस। तो ये देख रहे हो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो उसका ये बैंड पाइप है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा हीट फेंकता है, बहुत ज़्यादा हीट। बहुत बंदे बोलते हैं भाई नहीं भाई, जो चलाते हैं ना भाई उससे पूछना कि कितनी गंदी हीट फेंकता है भाई, चाहे 200 हो, चाहे 250 हो, चाहे 390 हो, भाई अंधा इतनी हीट फेंकता है ना भाई, क्या बताऊँ। मतलब गलती से भी अगर आपका पैर टच हो गया ना भाई, तो समझ लो कि जेंस तो गई गई, आपका पैर भी गया भाई, बहुत गंदी हीट फेंकता है। बट अब BS6 में सही हो गया है, BS6 में क्या है कि उसको हटा दिया गया है, बट ये कि BS6 में पावर का मज़ा नहीं है, पावर का मज़ा तो भाई इसी में ही है, जो बात है। तो भाई इस टाइप से कुछ इसका रिव्यू रहेगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।